बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने आपको बताया कि इंटीरियर जो हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, असेंडिंग ट्रैक्स के बारे में बताया। उसमें मैंने आपको कुछ बताया थी कि डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक, इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, डिफरेंट तरह के। लैटरल स्पाइनोथैलेमिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन को कैरी करता है, ठीक है। अब मैं इसको आपको थोड़ी सी ना इसका एक ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। ये हमने पहला पैर जो है ना, ये तकरीबन हमने फिजियो में ये चीज़ें बेसिकली पढ़ी हुई हैं कि एक फास्ट पेन होता है, एक स्लो पेन होता है। जो हमारे पास फास्ट पेन होता है ना, ठीक है, वो किसके थ्रू कंडक्शन होती है, उसकी कंडक्शन होती है डेल्टा ए टाइप फाइबर के थ्रू, और जिससे स्लो पेन होता है वो सी टाइप फाइबर के थ्रू कंडक्ट होता है, ठीक है। तो ये बेसिक उसका सिर्फ ये है कि कौन से फाइबर्स होते हैं, ठीक है, फाइबर्स के नेम लिखे हुए हैं। उसके बाद जो बाकी इसके आगे सारा पाथवे है वो मैं आपको इसके बजाय डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ से सबसे पहले आपने याद रखना है कि तीन ऑर्डर्स होते हैं न्यूरॉन के, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ये तीन ऑर्डर क्या चीज़ें हैं, कौन सी मतलब बला है? तो सिंपली याद रखना है कि तीन तीन नर्व जो है वो कंडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है ब्रेन तक लेके जाने में, तीन नर्व, ठीक है, इसके ऊपर फोकस करो, ये वाली, ठीक है, तीन नर्व कंडक्शन। अच्छा अभी ना सबसे पहले ये देखें, ये एक नर्व रेड सी पीछे से आ रही है, ये कौन से, ये जो ये आपको गैंग्लियन नज़र आ रहे हैं ना, ये वाला, ये गैंग्लियन एक सेल बॉडी है, यहाँ पे एक गैंग्लियन होता है उसको कहते हैं पोस्टीरियर गैंग्लियन, ठीक है, या फिर डार्सल रूट गैंग्लियन कहते हैं, या पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन भी कहते हैं। इसके अंदर सेल बॉडी पाई जाती है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की। अभी ये जो फाइबर ये आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं इसका पेरिफेरल प्रोसेस, और ये जो अंदर वाला नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेस। अभी पेरिफेरल नाम से है कि पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके आता है, ठीक है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ बॉडी से क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, पेन और टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। पेन और टेम्परेचर इसके थ्रू आएंगी, ये सेल बॉडी है, फिर यहाँ से कंडक्ट होगी अगर सेंट्रल पार्ट के थ्रू। फिर आगे आपको नजर आ रहा होगा ये एक ब्रश ब्रश बॉर्डर सा या इस तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम नाम कह देते हैं, इसका नाम देते हैं पोस्टर लेटरल ट्रैक्ट ऑफ लिसर, ठीक है, पोस्टर लेटरल ट्रैक्ट ऑफ लिसर, ठीक है, ये हम इसको नाम देते हैं। ये सिंपल क्या है, जब यहाँ पे आया ना, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन अंदर आई, जब स्पाइनल कार्ड के इसके ग्रे मैटर के अंदर, ठीक है, ग्रे मैटर के अंदर आई, वो असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब ट्रैक के अंदर आप कह सकते हैं डिवाइड होगी, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये छोटे छोटे फाइबर जो कि डिफरेंट स्पाइनल सेगमेंट के साथ साइनैप्स कर रहे हैं, ठीक है, थीके? लेकिन जो मेनली फाइबर जिसने आगे यहाँ पे जाना था, ठीक है, आप यहाँ ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन थी। अब जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होती है वो अंदर ग्रे मैटर के अंदर स्टार्ट होती है, ग्रे मैटर के अंदर स्टार्ट होकर आपको नजर आएगा ये क्रॉस कर रही है टू द अदर साइड, ठीक है, इप्सिलेटरल साइड नहीं बल्कि कॉन्ट्रालेटरल साइड पे क्रॉस होने के प्रोसेस को एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट उसको कहते हैं डेक्यूसेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें न्यूरो में, डेक्यूसेशन, डेक्यूसेशन का मतलब होता है सिंपल इप्सिलेटरल साइड के बजाय कॉन्ट्रालेटरल साइड पे दूसरी साइड पे चले जाना। अब यहाँ से ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ने क्या किया, उसने डेक्यूसेट किया, अपोजिट साइड पे गई, ऊपर जा रही है, देखिए ब्रांचेज भी दी जा रही है, ठीक है, ये ऊपर गई गई कहाँ पे, दिस इज दिस पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, ये हमारे पास है थैलेमस। अब आपने ये नहीं कहना कि हमारे पास थैलेमस में गई, थोड़ा सा ऊपर रखो, अब आपने ये नहीं कहना कि थैलेमस में गया, आपने कहना कि यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन गई और सॉरी वेंट्रल पोस्टर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, ठीक है, जो थैलेमस के न्यूक्लियस है उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारे वेंट्रल पोस्टर लेटरल न्यूक्लियस, ठीक है, जितनी भी आप पढ़ेंगे ना पोस्टीरियर वाइट मैटर के बारे में, सारे ही तकरीबन जो थैलेमस में जा रही हैं वो सारे ही वेंट्रल पोस्टर लेटरल न्यूक्लियस के अंदर ही इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है, तो इसके बस नाम आपने रट लेने के, ये वाला नाम है, ठीक है। अभी हुआ क्या, ये यहाँ से ऊपर गई यहाँ पे इस पार्ट पे, ठीक है, ये वाला पार्ट थैलेमस के अंदर गई, अभी अब थैलेमस के अंदर ही इन्फॉर्मेशन चली गई, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ मैं बताना थोड़ा सा भूल गया हूँ, एक चीज़ होती है स्पाइनल लेमनिस्कस, ठीक है, स्पाइनल लेमनिस्कस क्या चीज़ होती है सॉरी अच्छा स्पाइनल लेमनिस्कस क्या चीज़ होती है, एक सिंपल, जब हमारे पास मेडुला के अंदर जाता है, मेडुला ओब्लंगेटा के अंदर ये जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है, तो ये दो और ट्रैक्स के साथ मिलता है, स्पाइनल टेक्टल और इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के साथ, यानी कि तीन ट्रैक जा रहे हैं, तीन फाइबर के ग्रुप्स जा रहे हैं, ग्रुप्स जा रहे हैं तीनों, वहाँ पर जाएंगे आपस में एक, फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे ये यहाँ पर दिखाओ, ये एक, ये दो, ये तीन ट्रैक्स जा रहे थे, ये आपस में गए, तीनों आपस में मिल गए, मर्ज हो गए, ठीक है, ये लैटरल स्पाइनोथैलेमिक इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक के साथ में हमारे पास स्पाइनोटेक्टल पाथवे थे, जब मिले तीनों तो ये जो इन्होंने चीज़ बनाई इसको हम नाम देते हैं स्पाइनल लेमनिस्कस का, ठीक है, ये जो इन्होंने मिलकर चीज़ बनाई इसको हम नाम देते हैं स्पाइनल लेमनिस्कस का, आगे स्पाइनल लेमनिस्कस ही जाएगा, ठीक है, ये अलग अलग ही जाएंगे, आगे इकट्ठे जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेडुला ओब्लंगेटा था, ये वाला नीचे जो पार्ट है, यहाँ से वो स्पाइनल मतलब वो ट्रैक बन गया प्रॉपर, स्पाइनल लेमनिस्कस बन गया। अब स्पाइनल लेमनिस्कस किस में जा रहा है, ये जा रहा है थैलेमस के वेंट्रल पोस्टर लेटरल न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, ये इसका नाम आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखते हैं, वेंट्रल पोस्टर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस के अंदर जा रहे हैं। अब थैलेमस में आगे उसने क्या करने, वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन खत्म हो जाती है, फिर आगे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होती है। अब थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे स्टार्ट हुई, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आगे क्या करना है, यहाँ से जाके इसके साथ होते हैं थैलेमस के स्ट्रक्चर होते हैं, हम कहते हैं इंटरनल कैप्सूल, ठीक है, इंटरनल कैप्सूल कहते हैं। अब वो इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब के थ्रू वो जाता है, ठीक है, ये इंटरनल कैप्सूल है, इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब के थ्रू जाता है, ठीक है, पोस्टीरियर लिम्ब के थ्रू जो है वो जाता है, और आगे ये लिखा हुआ है मतलब यहाँ से आगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जा रहा है, लिखा हुआ थ्रू द कोरोना रेडिएटा,
तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कोरोना रेडिएटा क्या चीज़ होती है, ठीक है। कोरोना रेडिएटा सिंपल यहाँ से इन्फॉर्मेशन आगे रेडिएट करती है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी आगे इस तरह इस फॉर्म में ना, थोड़ा सा इसको करूँ, ये इस तरह इस फॉर्म में जा रही है, ठीक है। ये इस फॉर्म में से रेडिएट कर रही है, थैलेमस से आगे इन्फॉर्मेशन थ्रू द पोस्टीरियर लिंब ऑफ इंटरनल कैप्सूल गई और कोरोना रेडिएटा के थ्रू सोमैटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंच जाती है, ठीक है। ये बेसिक था हमारे पास पहला पाथवे जो मैंने पेन टेम्परेचर का। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट आपको बात मतलब इसमें आपने एक और याद रखना कि न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सीरोटोनिन, हिस्टामिन, ब्रैडिकिनिन वगैरह जितनी भी चीज़ें ये सॉरी ये इसको इंड्यूस करती है, स्टिमुलस होती है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर सॉरी स्टिमुलस है, न्यूरोट्रांसमीटर इसके होते हैं एक ग्लूटामेट होता है और उसके बाद हमारे पास टाइप पी सब्सटेंस, ठीक है। दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। नेक्स्ट आगे आपको इसमें ना ये This is the light crude touch and the pressure path. अब anterior spine. अब मैंने अब कहीं सिंपल ये बताता हूँ कि जो हमने लेटरल में पढ़ा है ना वो सब कुछ इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक पाथवे, सिर्फ फर्क किसका आता है, फर्क आता है हमारे पास जो सेंसेशन है वो सेंसेशन लेके जा रहा था लेटरल वाला टेम्परेचर और पेन की, और जो इंटीरियर वाला है ये लाइट क्रूड टच और प्रेशर पाथवे की। बाकी इसमें आपको दिखाता हूँ सेम वही पाथ आ रहा है, वही हमारे पोस्टर लेटरल ट्रैक्ट रिसर्च था, उसके बाद वही आगे इन्फॉर्मेशन जाती गई ऊपर, ठीक है। उसी तरह उसने स्पाइनल लेमिनिस्कस बनाया, वही गई आगे वेंट्रल पोस्टर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में और वहाँ से कोरोना रेडिएटा के थ्रू रेडिएट करके सेरिब्रल के अंदर। तो जो मैंने वहां में बताया आपको वही 100% वही चीज सारी ही सारी इसमें हो रही है, सिर्फ सेंसेशन का फर्क आ जाता है कहां पे हो रही है, ठीक है। और एक आपने चीज याद रखनी है, ये जो टेम्परेचर और पेन वाला था ना, इसमें आपने याद रखना है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक ऐड होता है ना ये वाला मतलब जो ट्रैक्ट है, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सैक्रल रीजन से होता है। अभी अगर थोरेसिक रीजन का फर्दर मतलब थोरेसिक रीजन का मतलब अपना एक ट्रैक्ट होगा ना, होगा वो भी लेटरल के अंदर लेकिन अपने फाइबर्स होंगे, तो वो फाइबर क्या उसके मीडियल साइड पे होंगे लेटरल साइड पे, तो हमने कहना है मीडियल साइड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां से समझाता हूं, ये हमारे पास जा रहा था फाइबर, ठीक है, एक पॉन्स के अंदर। अभी यहाँ सॉरी पॉन्स नहीं कहता, यहाँ पे कह रहा था, ठीक है। ये थोरेसिक पार्ट में ये एक फाइबर जा रहा था, अभी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी जो ऊपर वाले फाइबर से ऊपर वाले रीजन के होंगे वो क्या इससे बाहर जाएंगे अंदर जाएंगे, तो वो आपने याद रखने कि इसके मीडियली अंदर वाली साइड पर ऐड होते जाएंगे, ठीक है। जितने भी फाइबर होते हैं वो उसके अंदर 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 ऐड होते जाते हैं, ठीक हो गया। ये जितने मैंने आपको बता दिया लेटरल और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक पाथवे।